अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास हम क्लास 8 के लिए बना रहे हैं, जिसमें हम ऑनवर्ड्स आज से हम पढ़ेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आज के वीडियो में आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं कि इसमें आप किस किस चीज को फेस करने जाएंगे, इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी चीजें आपको करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करेंगे आज इस क्लास को। सबसे पहला जो वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो है क्यूब। क्यूब क्यूब अगर हम ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से, ज्योमेट्रिकल पोर्शन से अगर आप देखेंगे तो ये एक आपके पास थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको बनाने के लिए रखूं तो ये आपके पास इस तरह दिखेगा, आपको आपको ऐसे एक चीज नजर आएगा। वो कैसे होगा, वो आपके पास होंगे जिसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारे बराबर होंगे, आपको इस तरह की चीज आपको नजर आएगा, जो आप अपने डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा। मिसाल के तौर अगर बच्चे जो है आपके पास जो एक गेम खेलते हैं जिसको हम बोलते हैं सांसीढ़ी, जिसमें आपके पास स्नैक्स बने होते हैं और आपके पास स्टार्स बने होते हैं, वहां पे हम एक चीज को जिसको हम डाइस बोलते हैं उसको आप उछालते हो। अगर उसको आप अच्छी तरह से अगर आप उसके ऊपर देखें, उसको ऑब्जर्व करें, तो आपको क्या मिलेगा कि उसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सारे आपको सेम मिलेगा। या अगर आपके पास यहाँ पे आपके पास आइस क्यूब भी आपको मिलेंगे जिसमें आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सारे बराबर होते हैं, या आपके पास शुगर क्यूब आपको मिलेगा, वो सारे आपके पास थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो ज्योमेट्रिकल पोर्शन, ज्योमेट्रिकल पोर्शन में हम पढ़ते हैं। इसमें अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए, भाई ऐसे बुक्स जिसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सारे आपके पास बराबर होगा, जिसको हम क्यूब बोलते हैं, कहीं कोई आपसे ये सवाल करे कि आपके पास इसमें आप कितनी चीज को होल्ड कर सकते हैं, कोई भी चीज, चाहे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हो, चाहे आप इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड हो, या आपके पास गैस हो, कोई भी चीज अगर आप इसमें डालेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आपके पास मिसाल के तौर इसमें आप कितना होल्ड कर सकते हो। तो यहां पे हमारे पास एक ही जवाब आता है, उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम, उसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डालते हैं। तो यहां पे इसके सारे साइड अगर बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एस इंटू एस इंटू एस, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, एक्स का क्यूब होगा। इस एस के ऊपर एक छोटा सा थ्री हम डालेंगे, इसको बोलता है हम क्यूब। ये हो गया ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से। अगर हम इसमें मैथमेटिकल कंसेप्ट से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्यूब किसे बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे हम जब किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर आप क्या करोगे, थ्री टाइम्स जो है अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, कितने टाइम्स, थ्री टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं क्यूब, उसका रिजल्ट। मिसाल के तौर फॉर एग्जांपल अगर मैं टू को अगर मैंने तीन बार मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आएगा एट। तो इसका शक्ल कैसे होगा, अगर मैं इस 2 इंटू 2 इंटू 2 को, मैंने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास आएगा 2 के पावर 3। 2 के पावर 3, जब भी आप किसी नंबर को पावर विद 3 देंगे उसको बोलेंगे हम क्यूब, उसको हम बोलेंगे क्यूब। यह आपके पास है क्यूब का। अब आप इसमें कौन सी चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहला आपके पास है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब जो कंसेप्ट आपके पास है पहला वो है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, जब आप किसी, फिर वही चीज आ गया, जब आप किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, या आपके पास किसी नंबर के ऊपर आप पावर को 3 रखेंगे, रेस टू द पावर 3 रखेंगे, उसको बोलेंगे हम परफेक्ट क्यूब और उसके रिजल्ट को बोलेंगे परफेक्ट क्यूब। मिसाल के तौर वही चीज यहां पर अगर मैं 5 का क्यूब डाले, तो अगर मैं 5 × 5 × 5 देंगे तो मेरा रिजल्ट आएगा 125। इस 125 को बोलेंगे हम परफेक्ट क्यूब, ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब होंगे। तो यहां पे देखिए
एक चीज मैं यहां से आपको बताना चाहूंगा, वो चीज ये है कि आपके पास जो हमारा टॉपिक चल रहा है पहला वो है परफेक्ट क्यूब के ऊपर, परफेक्ट क्यूब के ऊपर है। जो चीज मैं बताना चाहता हूं बच्चों को, जो आप यहां पे परफेक्ट क्यूब कर रहे हैं, जिस तरह हम स्क्वायर में याद रखते हैं कि आपके पास 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये क्यूब जो है स्क्वायर का थोड़ा सा एक्सटेंशन आप बोले एक्सटेंशन चीज आपके पास है। तो यहां पे भी आपको कम से कम 1 से लेके 10 तक का आपके पास परफेक्ट क्यूब याद होना चाहिए। तो यहां पे कैसे होगा, 1 का क्यूब अगर मैं निकालूं तो 1 × 1 × 1 दैट इज 1। अगर मैं 2 का क्यूब निकालूं तो आपके पास दैट इज 8। अगर 3 का क्यूब निकालूं तो आपके पास हो गया 27। अगर मैं 4 का क्यूब निकालूं तो वो हो गया 64। अगर 5 का क्यूब निकालो तो वो हो गया 125। अगर मेरे पास 6 का क्यूब निकालो तो मेरे पास 216। अगर मैं 7 का निकालो तो वो हो गया 343। अगर मैं 8 का निकालो तो मेरे पास ये आपके पास हो गया 512। अगर मैं 9 का निकालो तो मेरे पास हो गया 729। अगर मैं आपके पास 10 का निकालो तो हो गया 1000। ठीक है जो, ये आपके पास कुछ बेसिक परफेक्ट क्यूब्स है जो आपको हमेशा अपने साथ लेके चलना है। ठीक है जो, ये आपके पास हमेशा साथ लेके चलना है। देखो इसको लेने से आपको क्या फायदा होगा, एक चीज फायदा होगा, जब हम परफेक्ट क्यूब कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास भाई एक बड़ा नंबर दिया होगा, आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर दिया होगा, कहा होगा भाई मिसाल के तौर इस तरह 2, 3, 5, 4 का क्यूब निकालो। यहां पे आपके पास आपसे क्वेश्चन ये क्या होगा कि भाई इसके आखिर में जो इसका 1 डिजिट होगा, आपको इसका क्यूब पूरा नहीं निकालना है, आपको सिर्फ इतना पता करना है कि भाई इसके आखिर में जो नंबर आएंगे वो क्या आएगा। अब यहां पे हम देखें भाई ये नंबर एंड विद डिजिट 4 हो रहा है, तो अगर मैं यहां पे आके बेसिक में देखूं कि भाई कोई भी 4 वाला क्यूब जो है, अगर इसका मैं परफेक्ट क्यूब निकालूंगा तो वो हमेशा एंड विद 4 हो जाता है, तो मैं यहां पे बता पाऊंगा कि मेरे पास जो नंबर इसका जो क्यूब आएगा, जब आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके जब इसका आप रिजल्ट निकालेंगे तो उसका भी आखिर में आपके पास 4 होगा। ठीक है, जो बेसिक में होते हैं ना वो उसके अगेंस्ट जितने भी नंबर बन जाते हैं वो सब में वही होता है। मिसाल के तौर अगर आपके पास कोई नंबर होगा 1, 0, 5, 2, 3, 7, आपके पास इतना बड़ा नंबर दिया होगा, आपको इतना कहा होगा कि भाई आपके पास इसका अगर आप क्यूब निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट मींस ये एंड विथ डिजिट क्या होगा। तो अगर आपके पास आपको ये बेसिक वाला चीज अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट वहां पे आप आंसर दे पाओगे। तो मुझे पता है जब भी कोई नंबर एंड विथ 7 होगा, अगर हम उसका क्यूब निकालेंगे तो वो हमेशा एंड विथ 3 होगा। तो इसके वंस डिजिट पे, इसके यूनिट डिजिट पे ये नंबर एंड हमेशा होगा 3 से। तो ये सारी चीजें, इसीलिए मैंने बोला कि आपको अगर ये वाला चीज अगर आपके दिमाग में होगा तो आपके लिए वो वाले क्वेश्चन जो यहां पे हमने कहा कि भाई ये वाले क्वेश्चन आप आराम से फेस कर सकते हैं, आप आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक चीज हो गया आपके पास जिस जो प्रॉब्लम आपको फेस करने के लिए आएगा। दूसरा आपके पास होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपके पास मिसाल के तौर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा, मिसाल के तौर मेरे पास होगा 1720। आपको कहा क्या होगा कि भाई ये आपके पास क्यूब है या नहीं, आपके पास कहा होगा कि भाई चेक करो। ठीक है, 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो हमें आपके पास क्या होगा, अगर मैं इसका आपको जो दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने के लिए आएगा तो मुझे यहाँ पे देखना है कि इसका आप 1728 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है सारे प्राइम नंबर से आपको इनको डिवाइड करना है। तो ये डिजिट 2 हो रहा है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2, 6, 2, 8, 16, 2, 6, 2, 12, 2, 4, 8, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 5, 2, 4, 2, 27, 3, 3, 9, और आपके पास 3, 3।
तो मेरा जो आपके पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, मेरे पास आया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है जो, तो यहां पे आपके पास अगर ये नंबर अगर आपके पास क्यूब होगा तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो आपके पास प्राइम नंबर आया वो उसमें हमेशा सेम नंबर के तीन टाइम्स में तीन नंबर में आपके पास ग्रुप बनना चाहिए। तो अगर मैं चेक करूं तो ये आपके पास एक ग्रुप बना, ये आपके पास दूसरा ग्रुप बना, ये आपके पास तीसरा ग्रुप बना। अगर मैं इन ग्रुप को चेक कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 का क्यूब आ रहा है फिर 2 का क्यूब आ रहा है फिर 3 का क्यूब आ रहा है। देखो पे जितने भी इनके प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहे हैं उसमें जब हमने ग्रुप बनाया तो इनका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इनका जो पावर है वो आपके पास क्यूब आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास 1728 जो एक परफेक्ट क्यूब है। समझ में आ गया जो, आपको ये चीज आपके पास एक प्रॉब्लम आपको ये फेस करने के लिए आएंगे परफेक्ट क्यूब में। दूसरा आपके पास आएंगे भी, आपके पास एक नंबर दिया होगा, कहा गया होगा कि आपके पास ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो आपको क्या करना है कि भाई वो छोटा नंबर निकालो, वो छोटा नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। मिसाल के तौर उसके लिए मैं आपके पास एग्जाम्पल लूंगा, मिसाल के तौर 500, मुझे पता है 500 आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो मुझे एक छोटा नंबर निकालना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिससे 500 को मल्टीप्लाई करके आपके पास इसको मुझे परफेक्ट क्यूब में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 500 का एलसीएम कर दूंगा, 2 आपके पास 2 2s 4 5s 10 2 1s 2 2s 2 5s 5 5s 5 25s 5 5s आपके पास और 5 1s। आपके पास क्या आया, 500 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बैठूं तो मेरे पास 2 × 2 × 5 × 5 × 5। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे गौर से अगर मैं देख रहा हूं तो मेरे पास 2 के लिए सिर्फ दो नंबर आ रहा है, 5 के लिए ग्रुप आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 आ रहा है। देखो यहाँ पे 5 का तो चलो चला आपके पास क्योंकि ये क्यूब में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 का जो पावर हम देख रहे हैं वो आपके पास स्क्वायर आ रहा है, तो मुझे और यहाँ पे कितने 2 की जरूरत पड़ेगा ताकि ये क्यूब बने, तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली एक 2 की जरूरत पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे और एक 2 यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर क्या बनेगा, मेरे पास एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूं सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर भी मेरे पास 2 आया। अगर मैं इस 500 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। ठीक है जो, तो इसी तरह आपके पास और एक चीज यहां पे आपको मिलेगा कि आपको कहेगा भाई आपके पास एक नंबर दिया होगा, कोई भी नंबर आपके पास दिया होगा, मिसाल के तौर आपके पास दिया होगा 81, मिसाल के तौर 81 हमें पता है 81 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, 81 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आपके पास एक क्वेश्चन क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे 81 अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो हमें यहाँ पे वो छोटा नंबर लेना है, वो छोटा नंबर दिखाना है जिससे इसको डिवाइड करके आपके पास ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 81 का आपके पास क्या करूं, ये करूं तो 3 आपके पास 3 2s 6 3 7s 21 3 9s और आपके पास 3 3s। तो मेरे पास 81 का क्या आया, 3 × 3 × 3 × 3। तो अगर मैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म करूं तो 3 की पावर 3 × 3 की पावर 1। देखो यहाँ पे ये 3 तो ठीक है आपके पास क्यूब में आ रहा है, ये इस 3 को आपके पास ग्रुप नहीं है तो हम इसी को हटा देंगे, तो हमारे पास इसी 3 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां से ये इस ग्रुप से खत्म हो जाएगा, ये इस ग्रुप से निकल जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला नंबर रहेगा। तो इसके बाद आपके पास जो नंबर आपके पास रह जाएंगे वो आपके पास एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। ऐसे चीजों को आपको फेस करने को मिलेगा। ये आपके पास हुआ इस टॉपिक में और एक चीज। तो दूसरा जो टॉपिक आपके पास यहां पे मिलेगा वो है आपके पास क्यूब रूट। क्यूब रूट याद रखें, क्यूब रूट, क्यूब रूट किसे बोलते हैं। देखो यहां पे जब हमने यहां पे देखा कि मैं अगर मैं 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, तो 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 8 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी मल्टीप्लाई
टू बाई इट्सेल्फ टू थ्री टाइम्स, जब हम टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट एट, आपको क्या आ जाता है, एट आ जाता है। तो क्यूब रूट का आपके पास जो सिंबलिक फॉर्म है वो ये है आपके पास सिंबलिक फॉर्म। तो हमारे पास एट का क्यूब रूट क्या होगा, एट का क्यूब रूट क्या होगा, एट का क्यूब रूट होगा जिस नंबर को आपने थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया वही खुद वही नंबर जो है आपके पास इसका रूट बनेगा। तो मेरा इसका रूट आया टू। इसी तरह आपके पास क्यूब रूट ऑफ 27 क्या आएगा, थ्री। इसी तरह आपके पास क्यूब रूट ऑफ क्या 64 आपके पास फोर आएंगे। क्यों आएंगे, देखो पे जब मेरे पास 64 परफेक्ट क्यूब में आ रहा है तो वो किस नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा है, फोर को। फोर को तीन बार मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 64 आता है। या अगर आप यहां पे 27 को देखें तो जब मैं 27 को तीन बार मल्टीप्लाई करने से आपके पास 27 आता है तो वही नंबर उसका क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। ये आपके पास एक टॉपिक हो गया। तो यहां पे और एक चीज है जिसको हमें यहां पे हमेशा याद रखना है, वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, देखो यहां पे अगर आप किसी इवन नंबर को ले ले, अगर आप किसी इवन नंबर को ले ले, इवन इंटीजर को अगर आप ले ले, तो इवन इंटीजर में आपके पास क्या होगा, देखो यहां पे जब भी आप कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो अगर आपके पास इवन इंटू इवन कर देंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा इवन में ही रहेगा। कैसे रहेगा भाई, यहां पे अगर आप चेक कर सकते हैं, टू मेरा इवन नंबर है तो अगर मैं टू को टू से और टू से मल्टीप्लाई करूंगा मेरा आंसर रिजल्ट आएगा मेरा एट। यहां पे क्या आया, टू मेरे पास इवन है, रिजल्ट मेरा एट आया वो भी आपके पास इवन। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा याद रखना, इसका मतलब हुआ कि जब भी आप किसी नंबर, किसी इवन नंबर का अगर आप परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो उनका रिजल्ट भी आपके पास इवन में ही रहेगा। ये पहला प्रॉपर्टीज हुआ। दूसरा आपके पास ऑड में, जब भी आप किसी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर के साथ तो उसका रिजल्ट भी ऑड में आएगा। तो यहां पे कैसे आप कह रहे हैं भाई, आप तीन को देखो, तीन मेरा ऑड है, यहाँ पे आप वन को देख सकते हैं, वन मेरा ऑड है, यहाँ पे फाइव देख सकते हैं, यहाँ पे सेवन देख सकते हैं, यहाँ पे नाइन देख सकते हैं, इनका रिजल्ट भी देखिए आप। थ्री अगर ऑड है तो इसका रिजल्ट भी ऑड में है, फाइव अगर आप देखें तो इसका रिजल्ट भी ऑड में है, सेवन अगर आप देख रहे हैं तो सेवन का रिजल्ट भी ऑड में है, नाइन अगर आप देख रहे हैं तो नाइन का रिजल्ट भी आपके पास ऑड में रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ जब भी आप किसी ऑड नंबर का अगर आप क्या निकालोगे, परफेक्ट क्यूब निकालोगे तो उनका रिजल्ट भी आपके पास ऑड में ही आएगा। ये चीज आपके पास। अब लास्ट जो चीज आपके पास है नेक्स्ट है वो नेगेटिव नंबर्स का है। नेगेटिव नंबर्स, कोई भी नेगेटिव नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें, मिसाल के तौर -1 × -1 × -1, देखो यहां पे जिस तरह हम यहां पे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ साथ उनके साइन को भी उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इंसान आपके पास रिजल्ट वन आए, माइनस वन आए। अगर ओ नहीं आपके पास दे दू तो यहां पे आप पेपर इस तरह, अगर मैं माइनस टू का क्यूब निकालू तो मेरे पास क्या होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे एट आएंगे, ठीक है जो। तो इस तरह आपके पास, तो यहां से हमारे पास कंक्लूजन क्या हुआ, जब भी आप नेगेटिव नंबर का आप क्यूब निकालोगे तो उसका रिजल्ट भी आपके पास नेगेटिव में ही रहेगा। ये आपके पास हुआ। एक आपके पास है फ्रैक्शन में, किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म को अगर आप ले ले, मिसाल के तौर मेरे पास अगर मैं 1/2 का अगर क्यूब निकालू तो मेरे पास क्या होगा, 1/2 × 1/2 × 1/2 देंगे, तो 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 2 8 आपके पास, तो उसका रिजल्ट भी तकरीबन आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में ही रहेगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज इन क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो आपके पास हमेशा इन चीजों को आपको साथ लेके चलना है। लास्ट में आपके पास और एक टॉपिक है, इसमें उसमें कहता है कि भाई आप क्यूब रूट निकालो बिना फैक्टराइजेशन के। फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं, हमने पहले कहा अगर मेरे पास 216 को अगर मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है तो मैं इसका फैक्टराइजेशन कर दूंगा, 2 1 0 8, 2 5 4, यहाँ पे आपके पास 2 27
थ्री नाइन जा तो इसका आपके पास 216 का क्या आया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो इसका क्यूबिक रूट में क्या आएगा 216 का, ये आपके पास ग्रुप में, इस ग्रुप में से एक निकलेंगे, एक लेंगे, इस ग्रुप में से एक लेंगे, तो मेरा रिजल्ट 6 आया। इसका मतलब ये आपके पास 6 का क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट 6 है। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट जो आपके पास जो टॉपिक है ना, इस तरह फैक्टराइजेशन किए बगैर आपको दिखाना है कि भाई इसका आपके पास गेस करना है आपको कि जो गिवन नंबर है उसका आपके पास क्यूब रूट क्या होगा। तो ये कुछ टॉपिक्स आपके पास है जो आपको इंट्रोडक्शन में मैंने दिखाने की कोशिश किया, जो आप वन बाय वन फेस करेंगे। आप जब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके पास वन बाय वन आपको फेस करने के लिए आएगा। तो इंशाल्लाह रहमान ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को लेके कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह इन चीजों को आप, इन क्वेश्चंस को आप किस तरह हैंडल करोगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुक्रिया।